कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की, सुनिए। पहले सुनने में आया है कि कोई घोस्ट परचेज होती थी, हमारी सरकार आई तो हमने सारा पोर्टल बनाया, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, एक एक एकड़ की मैपिंग कराई, किस किसान ने कहां कहां धान बो रखा है, कितनी उसकी उपज होती है, और बाई इनविटेशन हमने कहा है कि आप धान इतना इतना लेके आए। और हरियाणा को हमने सबसे अच्छा काम किया कि किसान को सीधा पैसा दिया, बिचौलियों को पैसा देने का जो सिस्टम था वो हमने बंद कर दिया, और इससे ये घोस्ट परचेज भी रुक गई, किसान को पैसा भी सीधे टाइम पे मिलता है, किसान को अच्छा भाव भी मिलता है। और हमने ये भी फैसला किया है कि 72 घंटे में अगर किसान की पेमेंट नहीं हुई तो 9% उसको ब्याज भी देंगे, उससे हमारे अधिकारी जो गफलत करते थे वो भी पकड़ में आ जाएंगे। हमारा फैसले सारे किसान हितैषी हैं। हमारे सरकार में ना घोटाला हुआ और ना ही होगा, क्योंकि हम जो है कोई ऐसा गुंजाइश छोड़ते ही नहीं कि जिससे कोई आदमी घोटाला कर सके, इसलिए क्योंकि हर एकड़ का हमारे पास डाटा है, किसान को सीधी पेमेंट कर रहे हैं, किसान से सीधी खरीद कर रहे हैं, और बीच बीच में हम जो राइस सेलर वगैरह हैं उनका स्टॉक चेकिंग भी कर लेते हैं, तो कोई घोटाला नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख मीट्रिक टन लगभग 20-22 लाख बोरी की जरूरत हमें होती है, और इतनी DAP हमारे पास मिल चुकी है। हरियाणा के किसानों के लिए DAP की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जरूर है कि ये कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाह फैला करके और महंगी DAP जहाँ राजस्थान में दिक्कत है, पंजाब में दिक्कत है, वहाँ बेचना चाहते हैं। हमने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि हरियाणा की DAP हरियाणा के किसानों के लिए है, इसकी दूसरे प्रदेशों में जाने से रोका जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह की DAP की कमी हम नहीं रहने देंगे। किसान को ना तो बाजरा मंडी में लाना, ना कोई सबूत दिखाना, ना कोई और करना, अकाउंट नंबर हमारे पास हैं और कल भी हम उसके 150 करोड़ रुपये डाल देंगे। लगभग 450 करोड़ रुपया बाजरा किसानों को बगैर कुछ किए मिल जाएगा, और उसका बाजरा निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि 1800-1900-2000 रुपये में बिकेगा, क्योंकि इस बार भाव सारे अच्छे हैं। कपास का भाव भी 7-8 हज़ार रुपये है, सरसों का भाव भी 7-8 हज़ार रुपये है, MSP से ऊपर ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं, और बाजरा भी उस पर ऊपर जाएगा, तो किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के किसान को, बाजरे बोने वाले किसान को भी अच्छा। और बल्लभगढ़